अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा जा रहा था अभी काम पर और रात को ज्यादा मैंने कुछ दूसरे जो आपने देखा होगा ब्लॉग उसमें बिल्कुल शूट नहीं करी, एंड भी नहीं करी, क्योंकि इतनी मेरी अचानक तबीयत खराब होने लगी और इतनी सारे जो पकाना करना मुझे अकेले रहता है तो मेरे पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। रात को इतना कुछ ज्यादा शूट भी नहीं करी, सो गई, फिर सहरी में भी उठी। बेचारे अयूब भी अपने हाथों से थोड़ा कर रहे थे, थोड़ा मैं कर रही थी, और बच्चे उन्हें तो ज्यादा कुछ मेरे को कभी डिमांड करते ही नहीं। लोग खाली है, अभी भी मुझे कोई बच्चे ही नहीं उठाए, कोई नहीं उठाए। जस्ट मैं उठी आई देखी तो मेरा अली जा रहा था फ्रेश होके नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ के फिर जाएगा अपने काम धंधे पे और फिर वहां से इंशाल्लाह इंशाल्लाह इफ्तारी तक आ जाएगा। चलो जाओ, मैंने बोला आज मेरा बहुत अच्छा लग रहा था उसको देख के, मेरे बच्चे को, तो मैं लाइफ के साथ ही आज ब्लॉग स्टार्ट करूँ। और मेरा छोटा वाला भी उठ गया है, अब वो भी फ्रेश होके जाएगा नमाज को। अयूब को भी अब जाके देती हूँ आवाज, क्योंकि अभी तो 1 बजा है, अब सब फ्रेश होके जोहर तक उठ ही जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी बेटी कितना ध्यान रखती, बराबर चेक कर रही है झाड़ू बराबर लग रही है कि नहीं लग रही है। पीनू, ए पीनू, पीनू, ओ पीनू, हाँ बराबर है बराबर है, ध्यान रखो बराबर सब होता है कि नहीं होता है काम। सारा घर का काम हो गई फ्री, सारा माशाल्लाह मेरा घर हो गया एकदम क्लीन, कपड़े बर्तन किचन और सब क्लीन हो गया। और फिर मैं नहा भी ली हूँ, साथ साथ मैंने मेरी बेटी को भी नहा ली हूँ, ठंडी लग रही है इसलिए बैठ गई साइड में। और अब गए अयूब नहाने के लिए, मैं जा रही हूँ बाज़ार, अयूब जाएंगे नमाज को, तो आने के बाद इंशाल्लाह फिर सब इफ्तारी की पकाने की घर की तैयारी रहती है। तो अब जाती हूँ थोड़ा बाज़ार, क्योंकि ठंडा धूप तो लग रही है पर अल्लाह ने इतनी ठंडक कर दी कि हवा एकदम ठंडी 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 हवा चल रही है। तो इंशाल्लाह चलो फिर आती हूँ बाज़ार लेके, फिर वही पकाना पकाने में घुसना रहेगा। आ गई बाज़ार से, सारा बाज़ार रखे किचन में और आई बेडरूम में थोड़ा सा बैठने के लिए, क्योंकि थक गई। तो देखा तो मेरा कोई पार्सल भी आया हुआ है, तो इंशाल्लाह दिखाती हूँ आपको इंस्टाग्राम पर, आप देखिए। तो ये पार्सल की सारी इन्फॉर्मेशन और इनकी जो आईडी रहेगी वो सारी आपको वहाँ मिलेगी, तो आपको जब भी जो चीज़ की ज़रूरत है आप मंगा सकते हो। फिलहाल अब मैं बैठूँगी, थोड़ा आराम करूँगी, आराम मतलब यार 10-15 मिनट थोड़ा सा ऐसा रेस्ट करूँगी, क्योंकि बाज़ार से थक कर आते तो अब रोज़ा नहीं रहता तो आदमी पहले किचन में जाता है पानी पीता है, रोज़ा है तो कुछ, इसलिए थोड़ा सा आराम, उसके बाद फिर घर का सारा किचन का काम शुरू। बहुत तो किचन की तैयारी शुरू कर दी हूँ, देखो ये लाई हूँ मैं मटन और इसी को साथ में कुछ बनाने वाली हूँ, जो इंशाल्लाह अगर आपको देखना है तो आपको पता है मेरे किचन चैनल पे इंशाल्लाह मिल ही जाएंगी जो रेसिपी अगर मैं डालती हूँ। तो फिलहाल तो अभी आधी तैयारी है, अब बाकी तैयारी तो बाकी है तो वो भी कर लेती हूँ, फिर मेरा अमीन आ जाएगा नमाज से, फिर हम हमारा काम करेंगे शुरू। बच्चा आके जस्ट ऐसे लेटा, देखो चेहरा कितना थका हुआ बच्चे का मेरे, और फिर मैंने उसको एक काम सौंपी, बोला ठीक है मम्मा जाके आता हूँ। तो जा रहा है मेरा बेटा काम करने और उसी के साथ साथ मैं अब जाऊंगी किचन में। और आज अयूब की और अम्मी अली की खास करके फेवरेट चीज़ बनने वाली है, तो इंशाल्लाह उसकी तैयारी अब जाऊंगी शुरू करने। तो मेरा बेटा जा रहा है अपने काम से, देखो 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 उन लोगों के प्यार मोहब्बत देखो जरा, मिला है लोगों को। हाँ 10 रुपए का एक नींबू है, बताओ 10 रुपए का क्या, वहाँ सूरत में 200 रुपए किलो है, अपन जब लिए थे 100 रुपए आधा किलो लिए थे ना। अब तुम यहाँ क्या कर रहे होंगी? अरे भाई मैं ये चेक कर रहा हूँ बादाम लाया के नहीं लाया भी ना मैंने, जितना जरूरत थी उतनी निकाली भी ना, रख भी थी अंदर। और इसको बोली थी एक डब्बा दही लाने, दो डब्बा। हाँ तो मैं भी खा लूंगा ना एक दो। ली मखनी बन रही थी यार, नींबू वहाँ पे अच्छे हैं, 50 रुपए के वो बड़े वाले नींबू आते हैं पाव के। मैं उनको वही बोला कि बड़ी नींबू नहीं है क्या, तो बोलते ऐसी है एक नींबू। और आज देखो तुमको बताता हूँ, आज ये मेरी गोरी है ना, सरप्राइज है, जाने दो नहीं बता। नहीं बताते, बताना बताना, लेकिन कहाँ बताएंगे, किचन की सब चीजें कहाँ बताते हम, टेबल पे नहीं, कौन सा चैनल, किचन चैनल, सायरा सत्तानी किचन चैनल। देखो मैं इनके साथ सीख गई ना, ऐसे ही बोलते। और पैसे देने को हम लोग यहाँ बॉम्बे में क्या बोले, हाँ देते हैं पैसा, दिए कैसे दऊंगा, मैं इनको बोली ना कि मुझे ड्रेस लेना, दऊंगा बाबा, कैसे बोलते, अरे दिमाग काट, ड्रेस लो,
भाई दऊंगा तेरे को। अमीना बाबू बोली ना तो अमीना बाबू यू ही बोलते सायरा, दऊंगा ही बोलते। दिल भी दे दिया, सब कुछ दे दऊंगा। क्या वो कर रही थी पीनट? कब वो पीनट जंपिंग कर करके खेल रही है वहां से? पीनट पीराट खुशबू से मैं अच्छा लगता है, खुशबू से ना इधर उधर तड़प रही है खुशबू आ रही। डोंट वरी डैडी गए ले, अभी लेकर आएंगे चिकन। और मैं तो यूं यूं कर रही हूँ इफ्तारी की तैयारी। डन? यस यस यस। क्या मस्त पुलाव बनाई हूँ देखो। अब इसकी आ गई गार्निशिंग की बारी, तो अब मैं करने जा रही हूँ गार्निशिंग। ओहो मेरे दिल की बात आप समझते हो, समझ जाओ। दिख रही है कढ़ाई पूरा दम पे छोड़ दियो। अब इसमें स्पेशल खाया जाता है जो कचुम्बर, जैसे कि हम लोगों के मुस्लिम लोगों के घर में अगर बिरयानी पुलाव तो कचुम्बर के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो कचुम्बर खाया जाता है उसका बहुत अलग टेस्ट होता है और तरीका भी अलग होता है और उसके अंदर जो सामान पड़ते हैं वो भी अलग होते। तो जैसे कि आप मेरे हाथ में ग्रीन वाला खीरा देख रहे हो, ये बना रही हूँ मैं। और इसी के साथ साथ मेरे बेटे को फिर से आज शामी कबाब खाने हैं और मेरे मियाँ को भी बहुत ज्यादा पसंद है शामी कबाब। तो मेरे मियाँ के लिए जो खड़े वाले दाल होती है ना उसके वाले बनाई हूँ मैं, वो बनाऊंगी। और माशाल्लाह आज मेरी इफ्तारी की तैयारी काफी जल्दी हो गई। अब आराम से मैं फ्रूट्स काटूंगी और मुझे जैसे कि मैंने कहा ना कि सरप्राइज नहीं, मुझे एक तोहफा मिलने वाला है आई थिंक सो। उसकी थोड़ी थोड़ी भनक मेरे कान में पहुंच चुकी क्योंकि मेरे मियाँ गए हैं थोड़ा घर के लिए चिकन वगैरह लाने, तो क्या पता उनको क्या सूझा वहां से मुझे फोन किए और बस तोहफा देने की, जो तोहफा मिलने वाला है मुझे, मैं तो तोहफा ही बोलूंगी उसको, तो उसकी बात मेरे कान तक उन्होंने पहुंचा दी है। तो मैं आपके साथ कोई चीज छुपाती हूँ नहीं ना, तो जरूर शेयर करूंगी वो तोहफा क्या है। मेरे लिए तो तोहफा है भाई वो तो। छोटे छोटे तू क्या वर्दा कर, टुंडे कबाब। तो टुंडे कबाब इतने छोटे रहते और इतने पतले रहते, एकदम ऐसे रहते ऐसे पतले एकदम एकदम लास्ट। आज मुझे बहुत ज्यादा दुआ करनी है दस्तरखान पे, मैंने सबको बोल दी कि मैं आज दस्तरखान पे बैठ के मेरे को दुआ करनी है, तो जल्दी जल्दी करके मैं जा रही हूँ दस्तरखान पे दुआ करने। दस्तरखान की दुआ कबूल होती है और मेरे गरीब नवाज का ऐसा करम है कि मेरी हर दुआ कबूल होती है। अभी से दस्तरखान पे मिलते हैं। कौवा बच्चा मैं कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं? डैडी को भाई को टेस्ट करानी है ना अपने खाना। खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है और मेरी बेटी को भी खुशबू आ रही है। सॉरी भूल गई, आइए दस्तरखान पे बिस्मिल्लाह करने के लिए। क्या बोलता बोलना, कैसी है ये भी तो अच्छा है। एक बार एक गोश्त है कितना खाली ऐसा हाथ पकड़ो तो निकल जाए लाल गोश्त। तू थोड़ा निकाल के खाएगा फिर कब खाएगा? तेरे दोस्त को बुलाया था ना? चले गया। नहीं आ रहा? चले गया था। अरे भैया बुला लेना ना, रात को खिला देना उसको, चलेगा। कैसी लगी भाई? अरे रायता नहीं लेंगे गनी भाई, तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे रायता बहुत अलग बनाएंगे, थोड़ा टेस्ट करना रायता प्लीज। टेस्ट करो, टेस्ट तू तो खा, टेस्ट करो। अरे ये इतनी टेस्टी है, मैंने इतनी प्यार से सब बनाई तो टेस्ट ही करोगे क्या? मारना मेरे बेटे को, देख खाने वाला नहीं है यही बहाने से उसको एक वाला खिला देती हूं। नहीं भाई टेस्ट कर तू भी, चलो बाय। तो उसकी तरह सब चले गए तरावी पढ़ने। अब मेरी बारी है सब घर में सैतना, जो भी काम है वो पूरा करना और उसके बाद में फिर कुछ स्पेशल चीज है जो मैंने कहा ना कि मुझे तोहफे के तौर पे मेरे कान तक खबर आ गई है, तो उसकी तैयारी करना। तैयारी मेरी चालू है और अयूब को भेजी थी टेलर के पास, नमाज के बाद अयूब आ गए और ये क्या लेकर आए? पांच ब्लाउज सी के दिए उन्होंने, बाकी के चार दिन बाद देंगे। तुम मान गए?
ये गलत बात है। बहुत काम है उसके पास, इतना काम पर है। पर क्या हो रहा था आंटी, दो दिन में देता हूँ। दे देगा, उसका बच्चा थोड़ा बीमार है। हाँ, अल्लाह पाक उसके बच्चे को शिफा दे। नहीं कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा बच्चा हो। और ड्रेस, ड्रेस अभी देता है एक कलाक। खाली अमीना आपा के ड्रेस सिलने के बाकी, मेरे और ज्वेलरिया के टाइट करने के थे। बोले तुम इधर 10:30 बजे आ जाओ, तुम्हारे साढ़े बोले भी अगर ले आना जाके। हाँ, अमीना आपा के वो भी इसलिए रुक गए थे क्योंकि साइज पे थोड़ा, मैंने उनको कहा था कि वो थोड़ा लूज पहनते है, आस्तीन यहाँ तक पहनते है, फुल नहीं पहनते, और कमीज थोड़ा यहाँ तक पहनते है, इस वजह से थोड़ा रुक गए थे। फिर अमीना आपा यहाँ आए, परफेक्ट तरीके से मैंने उनको पूरा फॉर्मा बताया कि इस तरीके से बनाना, और फिर खास करके फिर मैंने बताया एक वीडियो का, मैंने उनको स्क्रीनशॉट बताया कि देखा आस्तीन इतनी पहनते तेरी बड़ी आंटी। तो बस अमीना आपा के कपड़े बन रहे हैं, मैंने इतनी खुशी खुशी इनको भेजी, जाकर ले आओ। तो देखो ये सब लेकर आ गई, ब्लाउज सोच रही हूँ उसमें से कोई एक ब्लाउज पहन लूँ। हाँ, मुझे जो तोहफा तुम देने वाले हो तो क्या करूँ उसके लिए, एक साड़ी पहन लूँ क्या? सर रमजानों में मैं साड़ी नहीं पहनती मोस्टली। चलो अपने आदमी की जिसमें खुशी होती ना तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं होती, क्या बोलते पहनू? चलो फिर एक साड़ी, नई वाली साड़ी डिसाइड करती हूँ, पक्का नहीं है लेकिन ट्राई ट्राई। अयूब को लगी है भूख, तो अयूब आए ना बाए ना दाए, सीधा दे ही दे। क्या बोलते, रिव्यू तो दो कैसा बना खाना। इसके लिए तो किसको पूछा नहीं, खुद ने काड़ा खुद ने करा। हाँ, माइक्रोवेव में डाल दिए, तड़ातड़ गरम करे, और बोले भी नहीं कि चल खाएगी क्या, बस आके बैठ गए ना। एक्चुअली मैं तैयारी कर रही थी कुछ चीज की, चलो बताती मैं क्या तैयारी कर रही थी। देखो ये सब अभी आए हैं टेलर के पास से, अमीना आपा के, मेरे और ज्वेलरिया के, उसी के साथ साथ ये मेरे ब्लाउज भी बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे बाकी है, तो वही सब दुपट्टे जो है सब इसके अंदर लगा रही थी। मेरी ज्वेलरी पहनते रहती हूँ, निकालते रहती, तो उसको सेट कर रही हूँ। और मेरी बेटी देखो क्या मस्त मौला बन के सोई है। तो ये पैकिंग मेरा जो आया है पार्सल, वो भी वहीं पड़ा है सब चीज़ें। तो मेरा काम रहता है नमाज के बाद लास्ट में सब चीज़ें रखना करना, फिर कल सुबह आप देखो ना घर में तो फिर पसारे दिखते ही दिखते हैं। और इसमें से भी कुछ ड्रेस मैं निकालने वाली हूँ, और कुछ चीज़ें अलग अलग करने वाली, तो वो सब आपको दिखने वाली है नेक्स्ट व्लॉग में। अब के व्लॉग में तो आपको जो दिखाना था मैंने दिखा दिया, जो चीज़ शेयर करना था शेयर कर लिया, और मुझे अच्छा लगता है यार, इसीलिए मैं आपसे अपने दिल की बातें अपनी ज़िंदगी की बातें खुल के करती हूँ। अब इसमें लोग गलत फ़ायदा उठाते, गलत चीज़ों को लेके आपके सामने प्रेजेंट करते, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो जिसकी सोच होती है वो उससे बढ़कर कुछ कर ही नहीं सकता, चाहे आप लाख अच्छे बन के रहो तो भी वो उसकी नज़र वही देखेगी जो उसकी ज़िंदगी में रहता है। तो कभी भी आप किसी की सोच के ऊपर अपनी ज़िंदगी डिपेंड मत करना, आप जैसे हो हमेशा वैसे ही रहना। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए अच्छा है तो आप वही करना, और आपको ये लगता है कि ठीक है ये मुझसे गलती हो गई तो उसको मान लेना, पर कभी किसी की सोच को लेके अपनी ज़िंदगी पे कोई चीज़ ऐसा नहीं करना कि उसकी सोच है ये गलत है तो शायद मैंने गलत किया। नहीं, आप खुद जानते हो अपनी ज़िंदगी क्या है, और आप अपनी ज़िंदगी से अच्छा बेहतर करना आपके लाइफ को कोई और नहीं कर सकता। मतलब मेरा समझना थोड़ा सा गड़बड़ हो गई बोलने में, पर आप समझ सकते हो। और अयूब खा रहे खाना, बच्चों का फ़ोन आ गया, अमीन बोला जिम से निकलते हुए पूछा क्या लेकर आओ मम्मा, मोस्टली मुझे नारियल पानी का ही पूछता है। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, चलो बात करते करते अली, अली ने बोला कि क्या लेकर आओ मम्मा, उसका कुछ है चीज़ जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी, अभी तो नहीं बता सकती सॉरी। तो ये कल लेकर आया था अमीन, मुझे अलग अलग वाटर नारियल पानी लाके पिलाते रहता है, और उसी के साथ साथ मेरे हैंडसम हस्बैंड ने कल मुझे नारियल पानी और उसके साथ में क्या दिलाए थे, रेडबुल है, रेडबुल। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि पूरी फैमिली मेरे पानी का बहुत ध्यान रखती है, इवन अभी एक नया मेंबर भी शामिल हो गया, वो है ज्वेलरिया, जो मुझे बोलती है कि थोड़ा थोड़ा पानी पिया करो। तो चलिए फिर व्लॉग करती हूँ, एंड काफी बक हो गई मेरी, तो इंशाल्लाह मुझे पता है कि आपको मेरे जो व्लॉग है थोड़े बहुत तो अच्छे लगते हैं यार, और मुझे इतना ही चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आप लोगों का जो मोहब्बत है, जो आप लोगों की प्यार है, बस वही मुझे चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं। ओहो चलो मेरे बेटे का फ़ोन आ रहा है सूरत से, इंशाल्लाह मैं करती हूँ बाद में बात, अभी के लिए तो व्लॉग कर रही हूँ, एंड तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर जल्दी वापिस।